नेटवर्क प्लेट है जो हमारी हाइस की, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं हाइस हमारी, इससे भी होती है ख़राब क्योंकि। तो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DJDK स्टार ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। धन्यवाद आप सभी को, 1000 प्लस सब्सक्राइबर और प्लस 4000 घंटे हो गए हैं और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो थैंक यू, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना, बनाए रखना भाई पर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को शुरू करते हैं, तो दिखाते हैं आप सभी को कि आज जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है तो उसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क प्लेट है जो हमारी हाइस की, तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं हाइस हमारी, इससे भी होती है ख़राब क्योंकि। सबसे पहले कमी एक ही होती है इसमें कि धीरे धीरे, जैसे जब नए लाते हैं तो बढ़िया चलती है, बाद में ख़राब करने लगती है हाइस को, फिर ख़राब करते करते कुछ में ऐसी कमी आती है कि इसमें आवाज़ चली जाती है, आ जाती है, फिर चली जाती है, आ जाती है, कहीं बजने लगती है, कहीं नहीं बजती है। ये भी प्रॉब्लम आती है जब ये नेटवर्क प्लेट लगी है ये, तो फिर भी बंद हो जाती है हाइस, तो ये भी कमी आती है इसी से। तो सारी चीज़ आती है हमारे उल्टे सीधे बजाने की वजह से जो हम बजाते हैं। तो और एक कमी होती है कि आवाज़ हल्की देने लगती है, कभी इतना करंट निकाल देगी कि ये ख़राब भी हो जा ख़राब भी कर देगी हाइस को, और बहुत सी ऐसे ख़राब हो जाती है उसकी आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है हाइस की आवाज़, ऐसी भी ये ख़राब होती हैं। तो ये कई तरीके से ख़राब होती हैं, तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखना आप, सारी चीज़ मैं समझाऊँगा बताऊँगा वीडियो में, बने रहें, मैं सारी चीज़ क्लियर करूँगा और सारी चीज़ बताऊँगा इसमें कि ये क्यों ख़राब होती हैं और क्यों ये मतलब ये जल जाती हैं और क्यों ख़राब होती हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो एंड तक देखें, स्कैप ना करें। एक बेस लगा दी और टॉप लगा दी, मॉनिटर लगा दी, कितने भी लगा दो वो चीज़ अलग है। तो आपको एक चीज़ देखना है कि जो हम बेस डालते हैं अपनी, वो बेस अलग डालनी है। जो आउटपुट हमारे मिक्सर से निकलते हैं ना, चार आउटपुट होते हैं, दो दो होते हैं एक एक साइड के, तो जो साइड में होता है ना वो अलग, बेस अलग डालनी है आपको, टॉप अलग डालनी है, ठीक है। टॉप के साथ में जो आउटपुट लगाओगे वो मॉनिटर पे डाल देने हैं। जो हम बेस खोलते हैं, तो अगर मिक्सर से बेस खोलोगे तो पूरे सेटअप की बेस खुल जाएगी, जिसमें आपने बेस लगा रखी है, टॉप लगा रखे हैं, मॉनिटर लगा रखे हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो हम मिक्सर से बेस खोल रहे हैं तो हमारा वो मॉनिटर भी बेस खोल आएगी, मॉनिटर में भी बेस आएगी और टॉप में भी बेस आएगी और बेस में भी बेस आएगी, तीनों चीज़ों में मतलब बेस आ रही है। तो ऐसा नहीं करना है, उसी के हिसाब उसी से ये ख़राब होती है। तो आपको हम सारी चीज़ समझा देते हैं, बता देते हैं, तो पूरे सेटअप की मतलब बेस खुलेगी तो हमारा इफेक्ट जो इस पर पड़ेगा, ठीक है। स्पीकर की तो मैग्नेट देखो, उसकी मोटी आवाज़ हो जाती है स्पीकरों की भी, तो कैसे हो जाती है, जो आपने देखा होगा नया स्पीकर लाते हैं तो उस वो टी ख़राब हो जाए फिर भी वो महीन आवाज़ देता है, तो वो इसीलिए देता है, मतलब वो सही होता है, ठीक है। तो उल्टा सीधा जो बजाते हैं हम, तो उसकी भी आवाज़ मतलब मोटी हो जाती है बाद में, अगर बिना टी के बजाओगे, बिना हाइस के बजाओगे तो स्पीकर देखा होगा आपने, आवाज़ सही नहीं देते हैं। तो वो सब हमारी गलती की वजह से होता है, और जो नहीं जानते ऑपरेटर, नए ऑपरेटर होते हैं, वो उल्टा सीधा वॉल्यूम खोलते हैं, इस वजह से हमारी स्पीकर की भी मैग्नेट से मोटी आवाज़ आने लगती है, स्पीकर के स्पीकर से भी मोटी आवाज़ आने लगती है, महीन आवाज़ ख़त्म हो जाती है उसमें। और शुरू में जब नया स्पीकर लाते हैं उसकी मैग्नेट चार्ज होती है, तो उसमें मीडियम आवाज़ होती है, महीन जितनी चाहो उतनी महीन कर सकते हो, जितनी मोटी चाहो उतनी मोटी कर सकते हो, बिना हाइस के हो सकती है। तो मेरे पास भी ऐसे स्पीकर हैं, मॉनिटर हैं, 20 मॉनिटर मेरे पास ऐसे हैं जिन्हें बिना हाइस के चला रहा हूँ मैं, और वो आवाज़ भी बढ़िया दे रहे हैं। उन पर मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगा अपने ब्लॉग वाले चैनल पर, DJDK स्टार ब्लॉग करके मेरा चैनल है, उस पर किसी दिन आपको दिखाऊँगा मैं। तो आप जब मिक्सर से अगर बेस खोलोगे तो काफ़ी हमारा इफेक्ट इस पर पड़ता है, मतलब मिक्सर से आप बेस नहीं खोलना है, आपको मीडियम कर देना है, और जो बेस आपको खोलनी है तो अपने जिस चैनल पे हमने बेस डाली हो उसकी आवाज़ खोलो थोड़ी बेस की, और उसकी बेस की आवाज़ बढ़ाओ, और बेस का जो वॉल्यूम है उसे अप डाउन करो, कुछ भी करो। फिलहाल पूरे सेटअप की बेस अगर खोलोगे मिक्सर से तो भाई ये 100% ख़राब हो गई। और वो भाई हमारे जरूर जानते, वो भाई मेरे जानते होंगे जो क्रॉसओवर चलाते हैं। क्रॉसओवर का मतलब होता है हमारे तीन ठिया फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखना,
जो हमारे क्रॉसओवर होता है वो तीन जगह फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखता है। एक बेस हो गई, और दूसरी ट्रेबल हो गई, और मिड हो गई। ठीक है, तो हम उसमें अलग अलग आवाज़ खोल सकते हैं। उसमें जो अगर बेस पे बेस डालेंगे तो एक पे बेस ही निकालेगा, एक पे ट्रेबल मिड डालेंगे तो मिड ही निकालेगा, और एक जगह हम अगर बेस निकालते तो वो बेस ही निकालेगा। उसमें दो तीन सिस्टम होते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। तो आपने देखा होगा उसमें तीन चैनल होते हैं, तो तीनों पे अलग अलग ये फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखता है वो, और तीनों को अलग अलग दिखाता है, अलग अलग निकालता है। इस जगह से उसकी आवाज़ ही कुछ अलग होती है, और वो चीज़ मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ब्लॉग वाले चैनल पर दिखा दूंगा आपको। तो जब वीडियो डालूंगा तो आपको बताऊंगा अभी किसी वीडियो में। तो वो उसका मतलब यही है कि मतलब वो तीन ठिया देखो फ्रिक्वेंसी को मेंटेन रखता है, इस वजह से हमारी उसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है अगर एक क्रॉसओवर लगा है तो। मेन चीज़ इसकी आ गई। तो अगर हम मिक्सर से फुल आवाज़ खोलते हैं बेस बढ़ा के, तो सबसे ज़्यादा हमारे इफेक्ट इस पे पड़ता है। ये देखो यहाँ पे ये हिल जाएंगे, ये मतलब रेजिस्टेंस हैं, ये हिल जाती हैं और इससे जल भी जाती हैं, और यहाँ से आवाज़ देखो यहाँ पे लोड पड़ता है इस पर, तो ये मोटी आवाज़ तो नहीं निकाल सकता, मगर इस पे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो बेस देखो मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है, हाई करोगे तो ये हाइस ख़राब होगी। और ये है, ये ज़्यादातर ये यहाँ से इसीलिए ख़राब होती है कि आप इस चीज़ का ध्यान कभी नहीं देते हो। तो हमारे जो नए ऑपरेटर हैं वो यही करते हैं, जो इससे ये ख़राब हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और हाइस आपकी जब ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आपको देख लेना है इनमें कोई जला तो नहीं है। ये अगर जल जाते हैं तब हमारी हाइस ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो इन्हें आपको डालना है दूसरा। ठीक है, और अगर ये आप नहीं डालना चाहते हो तो आप वो पीएफ लगाओ। अगर ये ज़्यादा जल गई है कहीं से, तो आप जो पीएफ आ रहे हैं इसमें के, तो आप ये लगाओ 470/400 वोल्ट, ये लगाओ आप। अगर ये आपकी ज़्यादा ख़राब हो रही है या ख़राब हो गई है, और आप अगर ये नहीं लगाना चाहते हो आप, तो ये दूसरी लानी पड़ेगी आपको। सेटअप की बेस अगर मिक्सर से खोलोगे तो मिक्सर से पूरे सेटअप की बेस खुलेगी, तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी इसकी। ज़्यादा हम खींच के बजाते हैं, ज़्यादा हाई फाई करके बजाते हैं, उल्टा सीधा मतलब बेस खोल के ज़्यादा हाई फाई करके बजाओगे तो भाई ये ख़राब हो गई होगी। आपको अगर ये बचानी है तो आप मिक्सर से बेस नहीं खोलोगे, बेस खोलनी है तो बेस की बढ़ाओ आवाज़, और बेस जिस चैनल पर पड़ी उससे आवाज़ बढ़ा सकते हो आप। सारी चीज़ मैंने डिटेल में बता दी आपकी, ये इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि आप बजाते उस हिसाब से नहीं हो जिस हिसाब से बजाना चाहिए, क्योंकि गलत हिसाब से बजाओगे तो भाई ये नहीं रुकेगी। ठीक है, और जो भाई हमारे सही से बजाते हैं डीजे, उनकी ये ख़राब नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है उनकी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इतना ध्यान रखें। नेटवर्क प्लेट में हमारे जो कंपोनेंट लगते हैं वो इतनी एकदम मोटी आवाज़ को नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मतलब ये ख़राब हो जाते हैं और ये जल जाते हैं। ठीक है, और इसका अगर ये नहीं निकाल पाते हैं तो यहाँ पे इनके प्रेशर पड़ता है, जब यहाँ से तार हमारे लगे होते हैं और प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से ये कंपोनेंट छूट भी जाते हैं। तो ये हमारे छूट गए हैं, जल गए हैं, तो ये इसी से हुआ है, जो हमें मोटी आवाज़ खोल करके जो हम सेटअप की आवाज़ ज़्यादा करते हैं, तो इससे हमारी हाइस ख़राब होने होती है। डीजे चलाओ ज़रूर, मगर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा, पूरे सेटअप की आवाज़ अगर मिक्सर से खोलोगे तो भाई मोटी आवाज़ देगा, बेस तो देगा, इस ये तो मानते हैं बेस देगा, मगर ऐसी बेस से क्या फ़ायदा, हमारा नुकसान हो रहा है। काम हमने बजाया 4,000 का, और चार टॉप की हम ये ख़राब कर लाए, तो ये भी हमारे देखा है आपने कि 1,000-1,500-2,000 का तो नुकसान हो ही जाता है अगर ये ख़राब होती है तो फ़ायदा क्या है उसमें। तो आप हिसाब से बजाओ, आपको बजाना है तो मिक्सर से भी उसी हिसाब से खोलो वॉल्यूम, इस हिसाब से मतलब हमारी ये सेफ रहे। तो आपका कोई डाउट रह गया है तो वीडियो में कमेंट करो नीचे, मैं जवाब दूंगा आपको तुरंत, और कोई भी कमी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और कैसी लगी आज की जानकारी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं।